सांसद हाल ही में ही घोषित हुए जेईई मेंस जून 2022 की परीक्षा परिणाम में एक बार फिर से मिडास कोचिंग संस्था सौंसर के बच्चों ने सौंसर के साथ साथ पूरे छिंदवाड़ा जिले में तहलका मचाया हुआ है, जिसकी वजह से पूरे छिंदवाड़ा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। सौंसर से मंगल सिंह सोलंकी की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जेडब्ल्यू मेंस की जो परीक्षा जून 2022 में आयोजित करी गई है, उसमें छिंदवाड़ा जिले के दो बच्चों ने पूरे जिले में नाम रोशन किया है। उन बच्चों का नाम है आदित्य राज सिंह और भाविक बोबड़े। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आदित्य, आपका परसेंटाइल कितना रहा? मेरा परसेंटाइल 99.65 रहा। ये बहुत ही गौरव का क्षण है मिडास संस्था के लिए और छिंदवाड़ा जिले के लिए। बहुत बहुत बधाई आदित्य आपको। तो भाविक, आप बताइए आपका परसेंटाइल कितना रहा? मेरा परसेंटाइल 99.32 रहा। ओके, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। चलिए अभी जानते हैं कि आपके सफलता के पीछे क्या मुख्य भूमिका रही, किसकी मुख्य भूमिका रही, आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? तो चलिए आदित्य, आपसे शुरू करते हैं। मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ और साथ ही साथ हमारे मिडास कोचिंग के डायरेक्टर विकास सर और उनके पूरी टीम के गाइडेंस के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि विकास सर ने हमें हर समय सपोर्ट किया, जिससे हमारा एग्ज़ाम से डर खत्म हुआ था। ओके, तो आदित्य, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ, झारखंड में। अच्छा, ठीक है। तो चलिए भाविक, आप अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं भी अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस टीम है जिनने हमको हमेशा गाइड किया और यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट ली गई, जिससे हमारा मतलब टेस्ट में जो गलतियाँ हुई उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिला और फाइनल एग्जाम में हमें वो टेस्ट में गलतियाँ मतलब जो भी है वो हमें समझ में आए और वो नहीं दोहराए हमने। और यहाँ पे जो